यार धनुआ तो कैसे मुंह लटका के बैठा हुआ है? आज क्या हो गया? क्या बताऊं तो को मैं जिगरी यार से ना बताएगा तो और किससे बताएगा? है यही रहेगी हमारी यारी, यही रहेगी। अरे यार ऐसा ना है, ऐसा ना है। मैं तो बताना चाहूँ तो उसे सारी बात, लेकिन क्या करूँ यार, ये बताने लायक ना है, क्या करूँ। के बात हो गई, कई लड़की वड़की के चक्कर तो ना है? अरे नहीं नहीं यार ऐसा ना है, ऐसा रहता फिर तो मैं तेरे से बता ही देता। हाँ मैं थोड़ी ना रहता, साले चूतिये फिर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पिट के जाएगा। अरे भाई पता है मम्मी ने मुझसे सारा काम करवाती है, घर का सारा काम करवाती है, झाड़ू लगवाती है, पोछा लगवाती है, और तो और मैं तो मम्मी का खाना बनाने में भी हेल्प करवाता हूँ, बोलती है मम्मी करवाने के लिए। और पता है तुझे, झाड़ू भी लगाता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, और तो और मार्केट से जाकर सब्जियां भी लेकर आता हूँ, फिर भी मेरे को मम्मी पॉकेट मनी नहीं देती है, नहीं देती है। क्योंकि अगर मैं बताता तो तू हंसने लगता और मेरे को फोर्स करवा के पूछ ही लिया ताकि मेरा मजाक बना सके तू, है ना? अरे 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 भाई नहीं ऐसा नहीं है, तू तो गुस्सा हो गया। मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था क्योंकि पता है मेरे को ना मेरी मम्मी कुछ भी नहीं करवाती है। हाँ मैं तो जो खाता हूँ ना वो बर्तन भी नहीं रखता, मेरी मम्मी सारा काम करती है। मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ काश मुझे भी तेरी मम्मी जैसी मम्मी मिलती तो मैं भी कितना खुश रहता, तेरे जैसे ही हमेशा घर में आराम से बैठा रहता, लेकिन क्या करूं मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। कोई ना यार, कोई ना कोई ना, ऐसा होता है। भज्जी भज्जी मैं तुझे कब बुला रही थी, कब से तू नहीं आ रहा है? हाँ मैं तुझे आवाज लगा रही थी, तुझे सुनाई नहीं देता है, मर गया क्या भज्जी, कहाँ रह गया है? मम्मी मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, अभी मत मेरे को डिस्टर्ब करो। हाँ अच्छा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी तो तेरे बर्तन कौन धोएगा और झाड़ू कौन लगाएगा? अरे मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही हो, अभी चुप हो जाओ ना, मैं सब कुछ कर दूंगा, झाड़ू भी लगा दूंगा, पोछा भी लगा दूंगा और सब्जी भी ला दूंगा, बस मम्मी मेरे चुप हो जाओ, अभी मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का कचड़ा मत करो, मम्मी प्लीज मम्मी चुप हो जाओ अभी। चल तू पहले चल, जाके पहले सब्जी लेके आ मार्केट से, फिर वहां से आने के बाद झाड़ू लगाना है, फिर खाना बनाना है। हाँ और तो और मेरे पैरों में तेल भी लगानी है तुझे, ठीक है? आज मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पैरों में, दिन दिन भर तो बैठी रहती है और कहती है पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। यानी तो सारा काम तो मुझसे करवाती नहीं है, बस दोस्तों के सामने अपना इज्जत बनाने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी ना करा जा रहा है और बस कह रही है मेरे से ऑर्डर दे रही है। तू कुछ बोल रहा है? अरे नहीं नहीं मम्मी मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ करने के लिए। ठीक है जाओ मम्मी आप जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, मुझसे कुछ नहीं करवाती है, मैं तो खाता हूँ जो थाली भी नहीं उठाता, मेरी मम्मी उठाती है। क्या था ये सब? है धनिया तूने जो देखा वो सच नहीं है? हाँ 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 वो सच नहीं है, मेरी मम्मी ना तेरे सामने ऐसे डांट रही है, वरना बातें बहुत प्यार करती है मम्मी। हाँ बहुत 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 ज्यादा करती है। हाँ चल बे झूठे, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ जा तू अपना झाड़ू पोछा कर ले जाके। हाँ और सब्जियां भी लिया। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो आलू, 50 रुपए किलो। अंकल जी आलू कैसे दिए, आलू कैसे दिए, आलू आलू आलू, ये आलू 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 क्या होता है, एक बार आलू का नाम है आलू 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 आलू, क्या कर रहे हैं? आलू 50 रुपए किलो। हाँ इतना महंगा दिया आलू, इतना महंगा कैसे हो गया इतना महंगा अंकल आलू? कैसे क्या हो गया, महंगा हो गया तो महंगा हो गया, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो निकल पतली गली से। ऐसे कैसे अटके बोल रहे हो, अभी बता रहा हूँ ना, मेरा नाम जानते क्या लग रहा है आप? अगर मैं आपको यहीं पे भूत बना दूंगा ज्यादा बोले तो, ठीक है ना? मेरा भूत बनाएगा तो मेरा बाप, मेरे को जानता नहीं लग रहा है? हाँ तो मेरा नाम नहीं सुना है, मेरा नाम है रामलाल, रामलाल सबका लाल बना देगा, लाल बना देता हूँ मैं। हाँ अच्छा तो लग रहा है मेरा भी नाम नहीं सुने आप, हाँ तभी इतना बोल रहे हो, मेरा नाम सुन लेते ना तो तुरंत दे देते, फ्री में ही सब्जी दे देते सारी। अरे बच्चे चला जाए यहाँ से, कहीं तो खाम खाम मेरे हाथों से घुट जाए। हाँ तेरा नाम भज्जी हो या कच्ची हो चाहे रच्ची हो, मैं क्या करूँ उससे, जब सब्जी इतनी महंगी है तो है, लेनी है तो ले, नहीं लेनी है तो चला जाए यहाँ से। हाँ मैं बता रहा हूँ अंकल, मेरा नाम तमीज से ले लो, वरना मैं अभी यहीं पे घूस दूंगा आपको, बजा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ इतना अच्छे से मेरे पापा मम्मी ने मेरा नाम रखा है भज्जी, उसका तुम कचा कर रहे हो।
अरे तू जा रे, तू जा, मेरे को सब्जी नहीं बेचनी है तेरे को रे, तू जा रे, तो कोई और आ जाएगा, तू निकल यहाँ से। अब आ जाऊंगा ना तो आपका भरता बना के जाऊंगा, तुम रुक जाओ अब। आ जा बेटे, फिर कर ले मुकाबला, किसमें कितना है दम आज पता चल जाएगा, रामलाल में दम है या भज्जी में दम है, आज आप कर ले मुकाबला। अभी आएगा, मजा बिड़ू, अभी आएगा, तुम रुक जाओ, अभी तुम, मैं तुम्हारा भरता बनाता हूँ, तुम रुक जाओ।